गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी क्लास। स्टूडेंट, आज हम पार्ट डिस्कवरी बुक के पार्ट 7 नन्ना पौधा नामक पार्ट पढ़ेंगे। उससे पहले स्टूडेंट, आप ये चित्र देख रहे हो, इसमें क्या है, जानिए मुझे। आइए अब आपकी अभिनय क्षमता को देखिए। इसमें क्या है, अध्यापिका बच्चों को उनकी अभिनय क्षमता की जानकारी दे रही है कि उनमें अभिनय करने की क्षमता है या नहीं। तो वो ये जो टेबल पर रखी वस्तुएं हैं उनके माध्यम से उनकी विशेषता बताकर अपनी अभिनय क्षमता को दर्शाएंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये जो अध्यापिका भी खेल खिला रही थी बच्चों को, यही खेल आप अपने घर पे खेल सकते हैं स्टूडेंट। और ये एक्टिविटी अपने घर पे खेलनी है, इसके लिए आपको क्या चाहिए, आवश्यक सामग्री में किताब, गेंद, बोतल आदि वस्तुएँ चाहिए इसके लिए। इस खेल के माध्यम से आपको क्या वस्तुओं के को पहचानने में सहायता मिलेगी, वस्तुओं की विशेषताओं के बारे में पता चलेगा आपको, और आपकी निर्णय क्षमता का विकास होगा उसमें। इसके लिए आप क्या करोगे स्टूडेंट, घर पे आप अपने पेरेंट्स के साथ, मित्रों के साथ दो समूह में बढ़ जाओगे। एक समूह में से एक सदस्य को बुलाएं और उसे एक वस्तु देंगे। जैसे आपने किसी को बॉटल दी जो वस्तु रखी हुई थी, तो अब क्या करोगे, अब समूह के सदस्य को उस वस्तु की जगह, मतलब अपने आप को वो बोतल समझ के भी, वह एक बोतल है, उस वस्तु की विशेषताओं के बारे में बताना है, उसके गुणों के बारे में बताना है कि बोतल में क्या पानी ठंडा रहता है या बोतल हमारे किस काम आती है, इस तरह की विशेषताएं बतानी है उसकी। उस वस्तु का सही ढंग से वर्णन करने वाले पर उसे 5 अंक दिए जाएंगे अगर वो सही विशेषताएँ बताता है तो। इस प्रक्रिया को दूसरे समूह के साथ भी दोहराएंगे और जिस समूह के सबसे अधिक अंक होंगे वही विजेता होगा। इससे क्या होगा स्टूडेंट, आपको वस्तु की विशेषताएं बताते हुए निर्णय क्षमता का विकास करने में आप सक्षम होंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ नए शब्द दिए गए हैं जो कि अर्थ सहित है, आप इनको लर्न करोगे। व्यक्ति, आदमी, दिनचर्या, रोज किए जाने वाला काम, सहायता, मदद, बाढ़, तारों से बनाया गया घेरा, उत्पादक, उगाने वाला, आज़ाद, स्वतंत्र, नन्ना यानी छोटा। अब स्टूडेंट, ये जो लेसन है नन्ना पौधा, ये अपने रीड करते हैं। अब स्टूडेंट, आपको पता है, आप सभी फल खाते हो ना, तो फलों में फलों का राजा कौन है ये आपको पता है। फलों का राजा है आम, आम को फलों का राजा कहा जाता है। और भारत आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, सबसे ज़्यादा आम होते हैं यहाँ पे भारत में स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, हम ये जानते हैं शॉर्ट रूप में, मतलब छोटे रूप में, ये जो एक कहानी है पौधे और पेड़ की और माली की, तो वो मैं आपको बता रही हूँ, आप इसको रीड करोगे। इसमें क्या है स्टूडेंट, किसी गांव में रामदास नाम का व्यक्ति रहता था। उसके पास आम का एक बाग था, वह सारा दिन बाग में मेहनत करता था, पेड़ पौधों की कटाई छंटाई, पेड़ों से आम इकट्ठे करना, पौधे लगाना उसकी दिनचर्या थी। एक दिन क्या हुआ, उसने एक छोटा सा आम का पौधा लगाया, पौधा बहुत छोटा था। उसकी सुरक्षा के लिए रामदास ने पौधे के चारों पतली तारों की बाड़ लगा दी जो उसकी सुरक्षा करे। और पौधे के आस पास कई पुराने पेड़ थे, ये पेड़ काफ़ी समय से फल दे रहे थे। उनमें से एक ही पेड़ रामदास को नया पौधा लगाते हुए बाड़ बाड़ बांधते हुए देख रहा था। नए पौधे के आने से वह बहुत खुश था, पौधा छोटा था तो पेड़ को उसे लेकर चिंता हो रही थी। रामदास के जाने के बाद पेड़ ने पौधे से कहा, नन्हे पौधे, इस बाग में तुम्हारा तो स्वागत है। परंतु पौधे ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो पेड़ ने कहा, मैं कई सालों से यहाँ पे हूँ, तुम अभी बहुत छोटे हो, अपना ख्याल रखना। लेकिन पौधा गुस्से में था, कैसे खुश रह सकता था। उसने कहा कि उस व्यक्ति ने मुझे बाड़ में कैद कर दिया, मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। तब क्या किया पेड़ ने कहा कि नहीं, ये पेड़ तुम, ये जो बाड़ है वो तुम्हारी सुरक्षा के लिए है, अगर ये बाड़ रहेगी तुम सुरक्षित रहोगे। लेकिन पौधा क्या है, बिल्कुल नहीं माना। उसने कहा, नहीं, जब तक बाढ़ में हूँ क्या कोई कैद में रहकर खुश रह सकता है, तो मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ, मैं कैद नहीं रहना चाहता। क्या तुम्हारे आसपास बाढ़ है। लेकिन क्या है, पेड़ ने फिर कहा कि नहीं, तुम्हारी सुरक्षा के लिए बाढ़ उचित है। तो पौधे ने फिर कहा नहीं, वह अपनी बात पर अड़ा रहा। एक दिन शाम को क्या, बहुत तेज़ आंधी आई, बहुत ज़ोरों से आंधी आई, सभी पेड़ इतने ज़ोर से हिलने लगे, पौधे के चारों तरफ बाढ़ थी तो वह हिल भी नहीं रहा था। लेकिन फिर क्या, धीरे से
उसको जब हवा का झोंका लगा तो उसने कोशिश की, कोशिश करते हुए अपने को खुद को आज़ाद करने की, तो पीढ़ियाँ देखकर घबरा गया कि अगर ये बाहर निकल आए तो ये असुरक्षित हो जाएगा। लेकिन तब पेड़ ने पौधे से कहा कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, तुम जब बाढ़ के अंदर हो तो सुरक्षित हो, अगर तुम बाहर आ गए तो असुरक्षित हो जाओगे। तो पौधे ने उसकी एक न सुनी और खुद जोर लगाकर बाढ़ से बाहर आ गया। अब वह बहुत खुश था। इतने में जो आंधी थी वो बंद हो गई, सभी और जो वातावरण था सारा वातावरण शांत हो गया। तो तब पौधे ने कहा कि अब मैं स्वतंत्र हूँ। वह बहुत खुश हुआ और नाचने लगा। तभी अचानक क्या है, एक बकरी वहाँ घूमती हुई आई और उस पौधे को खा गई। यह देखकर पेड़ बहुत दुखी हुआ। तो क्या है, जब तक वो बाढ़ में था सुरक्षित था, तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है स्टूडेंट, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब आप छोटे होते हैं तो आपको पेरेंट्स की, अपने बड़ों की हेल्प लेनी चाहिए। वो आपको एक बाढ़ की तरह सुरक्षित रखते हैं। अगर आप उनके बगैर कोई कार्य करोगे तो असुरक्षित हो जाओगे। उनकी देखरेख में कार्य करना चाहिए स्टूडेंट। जैसे पेड़ की, बड़े पेड़ की बात, अगर वो पौधा मान लेता तो वो बच जाता स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट आप लेसन रीड करोगे। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर आपने फिल करने हैं। लेसन जब रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आपको सही गलत पे टिक लगाना है, जो सही है उसके आगे सही और गलत के आगे गलत स्टूडेंट। अब ये चित्र दिया गया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट विशेषण, विशेषण क्या होते हैं, विशेषण शब्द से हमें ये पता चलता है कि किसी भी चीज़ की विशेषता के बारे बताना है ना। कोई भी चीज़ की विशेषता है, जैसे आदमी मोटा है, आम पीला है, आम की विशेषता क्या है, पीला है, और मोटा कौन है, आदमी। तो ये सारे विशेषण शब्द है। अब देखो यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, आम लगे हुए हैं और माली पौधा लगा रहा है, पौधा छोटा है, आम पीले हैं, पेड़ लंबे हैं। तो इसमें क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे रामदास नन्ना पौधा लगा रहा है, नन्ना यानी कि उसकी विशेषता है, और पेड़ पर मीठे फल लगे हैं, मीठे जो फल है उनकी विशेषता है। तो यहाँ पे नन्ना और मीठे जो है विशेषण शब्द है, क्योंकि वो बता रहे हैं ना, फल की विशेषता बता रहे हैं, एक तो मीठा बना जो, और नन्ना जो छोटा वो पौधे की विशेषता की वह नन्ना है। अब क्या है स्टूडेंट, इसमें देखो इसकी यह परिभाषा है विशेषण की, कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता यानी कि गुण, रंग, आकार, माप, तोल, संख्या आदि के बारे में बताने वाले जो शब्द होते हैं विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे गुण दोष से संबंधित क्या होता है, जैसे मेहनती, चालाक, ये जो चित्र दिए गए हैं, मोहन एक मेहनती व्यक्ति है, बकरी बहुत चालाक है ना। तो इनके जो गुण दोष बताए गए हैं, मेहनती और चालाक। और अब है आकार संबंधी, आकार यानी कि उसका आकार कैसा है, जैसे छोटा सा पौधा हो गया, बड़ों का आदर करना, ये है आकार संबंधी विशेषण, छोटा सा और बड़ों का। अब रंग संबंधी क्या होता है, जैसे आम पीला है, डाली पर काली कोयल बैठी है, काली और पीला ये इनके रंग से संबंधित विशेषण है। अब नीचे माप तोल, अपने जो माप तोल करते हैं उसमें होता है, जैसे एक किलोमीटर, एक किलो, ये चित्र दिए गए हैं, इसमें एक किलो, एक किलोमीटर, ये जो क्या है विशेषण शब्द है स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे क्या आगे संख्या संबंधी दिया गया कि पेड़ पर बहुत से आम लगे हैं, बहुत से, इधर रिया के हाथ में 5 गुब्बारे हैं, तो ये क्या है संख्या बता रही है कि बहुत से और 5, तो ये क्या है संख्या संबंधी विशेषण है। अब नीचे स्टूडेंट अभ्यास सेकंड में देखो चित्र दिए गए हैं, तो इनकी आपको विशेषण शब्द लिखने हैं, इनकी विशेषता बतानी है, जैसे पत्ते हरे हैं, कमीज़ लाल है, फल ताजे हैं, बारिश क्या तेज़ हो रही है, लड़का क्या है मोटा है, और बिल्लियाँ कितनी है 2, तो इनके लिए विशेषण शब्द यही है, 2, तेज़, लाल, हरे, ताज़े और मोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या है विशेषण शब्द छांटना आपने, जैसे रामदास बहुत पतला है, पतला विशेषण शब्द है, ऐसे ही आपको सभी में रीड करना और पढ़ना है, जैसे स्वादिष्ट, 30, सेब, सॉरी 1, बड़ी और हरी, ये इसके विशेषण शब्द आप फिल करोगे। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है, इसमें कुछ संज्ञा शब्द और कुछ विशेषण शब्द दिए गए हैं, जो संज्ञा शब्द है उनको तो आपने नीले रंग से कलर करना है, और जो विशेषण शब्द है उसको आपने गुलाबी रंग से, यहाँ पे मैंने रेड कलर लिया स्टूडेंट, आप रेड भी यूज़ कर सकते हो, तो आप विशेषण शब्द में रेड कलर और संज्ञा शब्द में नीला कलर फिल करोगे स्टूडेंट।
नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर 4 में विशेषण लिखकर वाक्य पूरा करना है। ये जो चित्र दिया गया है विशेषण शब्द लिखकर वाक्य पूरा करना है आपने। जैसे राजू एक बहादुर लड़का है, तो बहादुर उसकी विशेषता है। ऐसे आगे जो दिए गए ताज़ी दो मीठा पीली ये विशेषता है, सभी जो वाक्य इनमें दी हुई आप इसको रीड करोगे लर्न करोगे। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको विशेषण शब्द पर गोला लगाना है, जो कि मैंने लगा दिया है। 6 नंबर क्वेश्चन भी आपको क्या है वाक्य बनाने हैं विशेषण शब्द यूज़ करके। जैसे चीनी क्या होती है मीठी होती है, तो हमने वाक्य बनाया चीनी मीठी होती है। ऐसे सब्जी, सब्जी क्या है ताज़ी, ताज़ी विशेषण शब्द आ गया। कोयल कैसी है काली, विशेषण शब्द उसकी विशेषता काली। आदमी क्या है लंबा, उसकी विशेषता लंबाई। उसकी दूध कैसा होता है सफ़ेद, तो उसकी दूध की विशेषता है सफ़ेद। यहाँ पे विशेषण शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट ये जो दिया गया है ये आप खुद करोगे। इसमें क्या करोगे आप, ऐसे वाक्य लिखने हैं आपने दो जोड़ियों में बढ़ जाना घर पे, वाक्य लिखने हैं जिनमें कि विशेषण शब्द का प्रयोग हो। जैसे कि नीला आसमान या सेब का रंग लाल होता है, इस तरह के वाक्य बनाने हैं। और इस कार्य की समय सीमा बतानी है कि कितने मिनट में ये कार्य आपने करना है, और बारी बारी से आपने जो दोनों शब्दों के अलग अलग एक वाक्य बनाएंगे ऐसे विशेषण शब्द लेके, और एक दूसरे को सुनाने आपने अपने समूह के एक दूसरे के समूह को, और जिसके सही होंगे शब्द उसको अंक दिए जाएंगे, और जिसके सबसे ज़्यादा अंक होंगे वही विजेता होगा। इसमें जो आप शब्द बनाओगे उसके आगे वाक्य लिखोगे। पहले विशेषण शब्द जैसे आपने बताया मीठा, तो आप लिखोगे आम बहुत मीठा है, विशेषण शब्द मीठा और उसका वाक्य बन गया। इस तरह से आप इसको खुद फील करोगे स्टूडेंट, स्वयं ने करना है आपने। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।